सर आगे बढ़ो, हाँ जी अब आते हैं ना मुख्य मुद्दा पे। सर जी ट्रेडिंग, अब तो आप इन्वेस्टमेंट जो किए वो इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा पोर्टफोलियो है आपके पास, तो ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है कि पैसा कैसे आएगा। अभी आप ट्रेडिंग जी भी शुरू कर दिए हैं, जी और जैसे आपका इस साल का पीएलएन मैंने देखा जी तो मैं तो आश्चर्यचकित भी था। असल मुझे इतना उम्मीद नहीं था सर, जी राइट जी तो आपने ज़्यादा अच्छा गेन किया है। मैं ये जानना चाहूँगा सर कि ट्रेडिंग कब से शुरू किया आपने, ट्रेडिंग? मैं बताता हूं, हाँ सितंबर 22 September 22, जी में मुझे बग लगी कि यार रमन कुमार, एक तो तेरे स्टॉक होल्डिंग में उन दिनों, मतलब है ये मेरे 16,000 रिलायंस पड़े थे स्टॉक होल्डिंग में, और बहुत शेयर पड़े थे। तो मैं कहता था कि यार तेरे 4 करोड़ के वहां पड़े हैं, हाँ और सिवाय रिलायंस के जो तुझे लाख रुपया सालाना डिविडेंड देता है, हाँ थोड़े बहुते और आ जाते हैं, इसके बाद इसकी यील्ड ही नहीं है। हाँ इस ग्रो होता है ठीक है, लेकिन इसकी कोई वो तो नहीं है, दुनिया देख कहां से कहां पहुंचती जाती है। अच्छा दूसरा, मेरा बेटा आया था मुझे मिलने हाँ अमेरिका से, हाँ तो पता नहीं कैसे ऐसे जैसे भाव उठता है ना कि भाई रमन कुमार सर, मैं आपको बताऊं, इंडिया में कंप्यूटर हाँ जब नहीं होते थे ना, हाँ हम तब कंप्यूटर चलाया करते थे, जी। और जब मैं इंडिया में आया ना, मैं 4,000 फ्लॉपियां लेके आया था, फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क। ओ मेटा स्टॉक मेरे पास, जब किसी ने नाम नहीं सुना था ना हाँ स्टॉक एनालिसिस क्या होता है, तब हाँ का था। ये बात और है कि मैं उसको बहुत बढ़िया ध्यान नहीं दे पाया, थोड़ी सी अपनी मजबूरियां भी थी, मतलब वगैरह वगैरह। हाँ तो जो ये चल रहा था ठीक चल रहा था, हाँ मैं अपना पोर्टफोलियो रीशफल कर लेता था, हाँ साल 6 महीने में देख लिया कौन चल रहा है कौन नहीं चल रहा, हाँ जैसे दिवाली के दिवाली, बस थोड़ी सी उसकी पॉलिश कर ली, हल्का निकाल दिया, नया रख लिया, और उसके बाद उसको चलने दिया। हाँ ये होता था मेरा, अच्छा और मेरा घर चलता था मेरी डिविडेंड से। जी तो मेरे दिल में आया कि यार रमन कुमार, तेरे पास इतना सामान पड़ा है, हाँ इतना कुछ है, जी तो तू ट्रेडिंग क्यों नहीं करता? जी कर। अच्छा तो मैंने सितंबर 22 में हाँ तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए के शेयर बेच दिए, जो मेरे हिसाब से डेड, स्लो मूविंग या नॉन प्रोडक्टिव थे। अच्छा वो पैसा आ गया। हाँ तो पहले मेरे पास दो ब्रोकर होते थे, हाँ इंडिया बुल और इंटरएक्टिव ब्रोकर। जी तो मैंने नए अकाउंट खोलने शुरू किए, एक धन में खोल दिया। हाँ शुरू शुरू में मुझे धन बहुत अच्छा लगा, हाँ तो मैंने उसमें जो इंडिया बुल में मैंने 1.5 करोड़ के शेयर बेचे थे, कुछ तो वहीं के वहीं ले लिए, हाँ कुछ कैश निकाल के मैंने धन में डाला हाँ और धन में शेयर खरीदने शुरू कर दिए, जी और लिस्ट बना ली सेगमेंट वाइज, हाँ जैसे एडवाइस करते हैं कि इतना फाइनेंशियल सेगमेंट में रखो, इतना केमिकल में रखो, इतना आईटी में रखो, इतना कंज्यूमर में रखो, इतना एफएमसीजी में रखो। वो बना के जो बढ़िया बढ़िया मोटे मोटे शेयर थे, केमिकल में थोड़ा हाथ ज्यादा रहा, वो मैंने लेने शुरू कर दिए। अच्छा बाद में ध्यान आया कि अरे यार ये तो बहुत ऊंचे ले लिए। हाँ पर्टिकुलर एक शेयर का नाम लूंगा, पॉलीप्लेक्स। हाँ पॉलीप्लेक्स जी वो इतना टूटा इतना टूटा, लेकिन मैं छोड़ता नहीं होता था, हाँ और कोई होता ना वैसे हिसाब से निकल जाना चाहिए था, हाँ लेकिन 3,000 का शेयर लिया हुआ 1,100 रुपए आ गया, मैं निकला नहीं। जी खैर बाद में धीरे धीरे उसकी भी समझ आई, फिर हाँ ये ख्याल आया कि स्टॉक होल्डिंग से निकाल के फिर आपसे मुलाकात हो गई, तो जी मैंने कहा कि यार जीरोधा में भी अकाउंट खोलते हैं। हाँ फिर मैंने जीरोधा में अकाउंट खोला आपके लिंक से, जी तो स्टॉक होल्डिंग में जितना स्टॉक पड़ा था हाँ सारे का सारा वहां ट्रांसफर कर दिया। जीरोधा में
जिरोदा में, जी और जिरोदा में पैसे भी पंप करने शुरू कर दिए और हाँ वहां भी खरीदना शुरू कर दिया। जी और फिर धीरे धीरे वहां पे आपसे बातें होती थी हाँ कि यार प्लेज करके और बढ़िया होता है, ये होता है, वो होता है। जी वहां थोड़ा बहुत प्लेज किया धीरे धीरे। मार्च में मैंने ट्रेडिंग शुरू की, मार्च 2023 में। अच्छा तो मार्च में मुझे तकरीबन पूरे महीने में 27,000 रुपए का लॉस हुआ। ओवरऑल हाँ, तो ओवरऑल ये ट्रेडिंग एफ एंड ओ एफ में। एंड ओ में शुरू किया ना। हाँ, एफ एंड ओ में। अच्छा जी मैंने कहा कोई बात नहीं, फीस तो देनी पड़ती है कुछ सीखने की। हाँ मैंने कोर्सेज बहुत सारे ज्वाइन किए, अच्छा सॉफ्टवेयर बहुत खरीदा, हाँ ये ट्रेडिंग व्यू और सेंसिबल के भी पैसे लगते थे, साढ़े हाँ पांच हजार उन हाँ दिनों। लगते थे पहले जी। और बहुत कुछ था। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये इन्वेस्टमेंट है, जी गेम बहुत बड़ी है, कोई बात नहीं रमन कुमार, तू चलने दे, अच्छा अभी लाख का नुकसान तो नहीं हुआ ना, हाँ तू चल। हाँ अप्रैल में वो जाके कम होके हाँ मेरा ख्याल है 10-12 हजार का लॉस रह गया। अच्छा तो मैंने कहा भाई मैं तरक्की तो कर रहा हूं। गुड जी तब तक शायद आपसे भी मुलाकात हो गई थी, हाँ और मैं नाम नहीं लूंगा, हाँ लेकिन शुरू शुरू में मैंने जो ग्रुप ज्वाइन किया वो बहुत ज्यादा टेक्निकल था और उसका हाँ पढ़ाने का तरीका भी बढ़िया नहीं था, मैं बड़ा अच्छा कुड़ता था। अच्छा तो हाँ मैंने उसको, मैंने कहा ठीक है यार, तू 9,000 रुपये ले गया ले गया, हाँ मैं तो करता ही नहीं तेरा। अच्छा तो ऑप्शंस के बारे में पहले पढ़ता था, पढ़े हुए थे, कॉल हाँ क्या होती है, पुट क्या होती है, जी स्ट्रेडल स्ट्रेंगल, सारी पुरानी जो लिटरेचर मेरे पास, खूब सारा लिटरेचर पढ़ा है, हाँ निकाला उसको, झाड़ा पहुंचा, पढ़ने लगे, जी हाथ पांव मारने लगे। शुरू हो गया कि लेट रात को जाग रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। जी तो मई में जाके थोड़ा बहुत ठीक हुआ, अच्छा तो फिर मई जून जुलाई ठीक रहा। अच्छा उसके बाद तो फिर अब अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 महीने में मेरे पूरे महीने में सिर्फ दो दो रेड डॉट है जी, दो दो रेड डॉट है। हाँ बस दो रेड डॉट। हाँ जी और अब मैं कोशिश कर रहा हूं कि हाँ जैसे आपको भी कहता हूं, बातें तो शेख चिल्लियों वाली हैं लेकिन डूएबल है, कि रमन नहीं कुमार अगर अपने जमाने में, अपनी गली में, अपने शहर में हाँ तुम ब्रिलियंट बच्चे थे, डॉक्टर जी बन के निकले, बाहर भी सबसे पहले गए, करोड़पति हाँ भी सबसे पहले बने, जी अपने मतलब है मेरा जो ननिहाल या जो मेरा दादका दादी तरफ है, नाने की तरफ है, तो बेटा एक काम कर, आजकल करोड़पति तो हर कोई है, तू अरबपति बन के मार, अपने बच्चों के लिए कुछ बढ़िया देखेगा। बहुत बढ़िया सर तो बहुत बढ़िया इसलिए मैं आपको भी कहता हूं हाँ कि आदि के कॉलेज जाने से पहले पहले आपको अरबपति जरूर दे। बस आपके नसीहत में हूँ सर आशीर्वाद बनाए आपका मेरा रखो फर्क इतना है, मुझे थोड़ा सा तजर्बा ज्यादा है, जी मेरा कैपिटल ज्यादा है, जी आपको वो विद्या आती है, जी बात तकरीबन आप 21 ही हो गए जी, 19 नहीं हो गए। अरे नहीं सर आपके बड़प्पन है ऐसा मत नहीं नहीं कहो नहीं ये ठीक बात है। जी तो दोनों बराबर बराबर चलते हैं, सर एक दूसरे की मदद करते हैं, जो मुझे आता है मेरे से ले लो, जी जो आपको आता है दे दो, करते 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 हमारी जिंदगी तो 5-7 साल है, आपके पास बहुत है, आप अरबपति हो के मर। बहुत धन्यवाद सर शुक्रिया जैसे आजकल कहते हैं ना कि झुंझुना झुंझुनवाला 40,000 करोड़ हो गया, ये हो गया, वो हो गया, जी दबानी ये हो गया, वो हो गया, हाँ ठीक है, इसी तरह मुकेश अंबानी भी बने तो शेयरों से ही हैं, हाँ जी सर हजारों किस्म के काम किए, अब बोलना नहीं चाहिए, कुछ कहना नहीं चाहिए, ठीक है कि नहीं। हाँ बिल्कुल तो बेशुमार पैसा है इसमें, कोई कोई दो राय नहीं। जी सर और आज भी कोई बच्चा सुन रहा है हाँ तो अगर सीरियसली, सिस्टेमेटिकली, प्रोफेशनली जी अगर इन्वेस्टमेंट किया जाए तो जी इक्विटी जो है वन ऑफ द बेस्ट
इन्वेस्टमेंट गिनी जाती है, जी रादर सर, देन प्रॉपर्टी, रादर देन गोल्ड या हाँ रादर देन एनीथिंग एल्स, इक्विटी आज भी अच्छी रिटर्न देती है। जी सर, और बिल्कुल सी दूसरा, आप अपने देश की ग्रोथ में योगदान दे रहे हो। करेक्ट सर, जी ओके ओके सर। मुख्य मुद्दा को तो छोड़ दिए आप, दिसंबर तक आप, हमने तो देखा है ना। मैं 1 मिनट ना, 1 मिनट मुझे टाइम दीजिए अच्छा, चलो लगाइए, स्क्रीन पे लगाइए। जी सर, इसी के ऊपर बात करेंगे आज। जी वाह सर, आप आप देखिए, ये जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में चार चार पांच पांच छह छह डॉट दिखा रहे हैं ना, ये इक्विटी की वजह से दिखा रहे हैं। हाँ अगर आपके पास खाली एफ एंड हो तो जी इसमें दो दो रेड डॉट लगेंगे आखिरी 3 महीनों में। सर, उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो पड़ता है कि 1 CR 1 करोड़ सर। आप हाँ, बताओ, आप नए हो, मतलब आप सोचिए, मतलब अभी मुझे 1 साल पूरा नहीं हुआ ट्रेडिंग एक करते साल हुए, पूरा नहीं हुआ है, मार्च में जाके होगा, आप तो कमाल ही कर दिए रहो सर, मजा आ और गया। होपफुली मार्च तक मैं अपने मुंह से अपनी क्या बढ़ाई करूं, इसको 40-50 और बढ़ा दूंगा। हाँ बिल्कुल बढ़ेगा सर, इस फाइनेंशियल ईयर में तो मुझे लगता है आप 1.5 तक पहुंच जाएंगे, जिस तरीके से चल रहा है, अभी भी पॉजिटिव ही चल रहा है आपका। तो मेरा भी भला, मेरे भारतवर्ष का भी भला, मैं टैक्स दूंगा, सड़कें बनेंगी, रेलवे बनेगी, स्कूल खोलेंगे, अस्पताल खोलेंगे, जी हमारे सर, जैसे लोग ना कंट्रीब्यूट करें तो कौन करेगा। या बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत पॉजिटिव थिंकिंग सर। ओके मैं तो तो आने वाले वक्त को भारत का वक्त समझता हूं। जी सर, मैं ये स्टार्टिंग का जो देख रहा हूँ इधर, आपका स्टार्टिंग का महीना, मतलब फरवरी से आपने भेजा है मुझे, ओके तो जी एक साल का है, तो हाँ स्टार्टिंग का जी लॉस था, इसके बाद जून में ठीक ठाक, मई में ठीक, सबसे बढ़िया होना शुरू हुआ है जुलाई के बाद, जी जुलाई के बाद बहुत बढ़िया, इसमें से सबसे एक बढ़िया प्रॉफिट था, कितना लाख का है सर? 14 लाख का ना, जी एक लॉस भी है इसमें 22 लाख रुपए का, वो राइट? तो आइडिया ने मुझे फंसा दिया था, हाँ और वो मैं फिर निकल गया उसमें, मैंने कहा चलो दे देते हैं इसको। जी, मैं वही देख रहा हूँ सर, इसमें बड़ा बड़ा प्रॉफिट और कोई बड़ा लॉस है, तो उसको एक लॉस था आइडिया की वजह से ना। हाँ जी, अब मैं उसी पॉइंट पे आता हूँ सर, चलिए ये तो हो गया हमारा PL&ND। उससे मैंने सीख भी ली। हाँ आइडिया के मेरे पास 12 लाख, मतलब है जो लॉट थे ना जी, लॉट हाँ साइज बड़ा था, हाँ 15 लॉट थे मेरे पास, अच्छा तो 12 लाख क्वांटिटी बन गई शेयर की, जी और वो बढ़ते बढ़ते 2-2.5 रुपए बढ़ गया, जी जी तो इसलिए मुझे लॉस हुआ। ओके 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 सर, अभी जैसे आप ना ट्रेड जो बनाते हैं अभी, है ना, हाँ जी, और ट्रेड में जैसे अभी आप ज्यादातर ट्रेड स्टॉक में स्ट्रेंगल बनाते हैं हाँ जी, और एक बनाते हैं बुलबुला हाँ तो जी, मैं कह रहा था सर कि अभी आप स्टॉक में स्ट्रेंगल बनाते हैं, हाँ जी, और स्टॉक में मुझे लगता है ना आपका बहुत महारत हासिल है आपको। धीरे धीरे सीख रहा हूँ जी। हाँ ओके, जो भी, और इंडेक्स में क्या करते हैं, इंडेक्स में भी स्ट्रेंगल ही बनाते हैं ना आप, इंडेक्स में अभी बैंक स्ट्रेंगल ही निफ्टी, बनाता हूं सर। इंडेक्स में भी आप बैंक निफ्टी का ट्रेड बनाए हैं ना, तो एक बार ना उसको अगर कंफर्टेबल है तो प्लीज एक बार फिर बताओ आप, दोनों स्टॉक और इंडेक्स दोनों का क्या देखते हैं, मतलब सवाल है सर कि स्टॉक में क्या देखते हैं बेसिकली, राइट? मतलब उसमें स्टॉक्स में उसका IB देख लेते हैं, ग्रिक्स देख लेते हैं। मैंने शुरू तो ऐसे किया था हाँ कि जो लो बीटा एफ एंड ओ के स्टॉक्स हैं, लो बेटा, लो बीटा, हाँ इनसे शुरू किया था। अच्छा शुरू शुरू के मेरा जो मई जून फरवरी मार्च मई जून जो थे इन पे गुजरे। मैं डरता भी था, हाँ नया भी था, कि यार गलतियां तो होंगी, कहीं जी ज्यादा ही ना कर जाऊं, हाँ इसलिए फूक फूक के कदम रखता हूं। जी तो मैं लो बीटा एफ एंड ओ स्टॉक्स ढूंढता था। उन दिनों मुझे मिलते थे हिंदुस्तान यूनिलीवर, डॉक्टर रेड्डी, इपका, इस तरह के मिलते थे, तो हाँ इनमें मैं बनाता था, अच्छा और बहुत ज्यादा फैंटास्टिक नहीं मिल पाती थी, 4-5% पर मंथ, 4-5% पर मंथ,
तो मैं खुश हो जाता था। उस समय आपका टारगेट भी था कि 4-5% मुझे मिलना चाहिए, आप मुझे बोलते भी थे। हाँ जी, तो धीरे धीरे ठीक होता गया। हाँ फिर मैंने देखा, फिर जब पढ़ने लगे, जब ऑप्शन ग्रीक्स पढ़ी, ऑप्शन चेन पढ़ी, कि यार ये आईवी भी तो कुछ होता है, हाँ तो आईवी से प्रीमियम भी तो मिलता है। हाँ 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 फिर हम ज्यादा आईवी वाला ढूंढने लग पड़े। मतलब हाई बीटा। बीटा जरूरी नहीं, हाई आईवी हो, हाँ ओके वो बीटा ओके थोड़ा सा अपने आप उसमें बढ़ जाता है, हाँ आईवी हाई हो। अच्छा तो मीन वाइल मैंने एक और कोर्स ज्वाइन किया हुआ था, हाँ वहां पे ये सिखाया गया कि इवेंट पे आपने कैसे ट्रेड करना है, फिर से बोलिए सर, क्या इवेंट पे इवेंट आपने पे? कैसे ट्रेड करना है। ओके इवेंट पे, अच्छा उसमें सिखाया गया कि जिसका रिजल्ट आ रहा है हाँ उसका कॉल और पुट लॉन्ग कर लो, लॉन्ग स्ट्रेडल बनाओ लॉन्ग स्ट्रेडल। ओके 4-5 दिन पहले। अच्छा और उसका क्राइटेरिया था कि जो कॉल और पुट दोनों को मिला के जो प्रीमियम मिलता है हाँ वो एटीआर का कुछ परसेंटेज होना, मैं भूल भुला गया चूंकि मैंने ध्यान भी नहीं दिया, हाँ वो करो। अच्छा और जैसे ही रिजल्ट आ जाए और एक लेग कमजोर होने लगे, उसको 25% लॉस पे छोड़ दो, अच्छा जैसे हम शुरू शुरू में करते थे ना, हाँ स्ट्रेडल बनाते थे कि हाँ 25% का स्टॉप लॉस लगा दिया, हाँ जो गई गई, दूसरी चलती रहेगी। चलती रहेगी बराबर। उसी तरह दोनों लॉग बना के 25% का स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दो, जो गई सो गई, दूसरी आपको बहुत बढ़िया फायदा देके जाएगी। अच्छा और कई एग्जाम्पलें उन्होंने दिखाई हाँ हाँ और हाँ मैंने एक दो करके देखी। मैंने इन्फी में अच्छा खासा पैसा बनाया था, हाँ लेकिन उसके बाद फिर वो इंटरेस्ट भी हट गया। मैंने कई मेंटर ज्वाइन किए थे जी, बहुत हाँ बढ़िया बढ़िया चीजें भी पढ़ी हैं। अच्छा जी जब नॉलेज नहीं होता ना, तो आदमी सवाल भी नहीं बढ़िया पूछ पाता। हाँ एकदम करेक्ट सर, सवाल भी तब आते हैं जब नॉलेज होता है। नॉलेज होता है जी सर। धीरे धीरे करते करते, धीरे धीरे करते करते, फिर मैंने सेंसिबल में वो देखा कि उसके स्क्रीनर में एटीएम की आईवी का एक कॉलम है, जी तो उससे पता चल जाता था कि आईवी किसकी ज्यादा है। हाँ तो वो मैंने सेंसिबल में ट्रायल के तौर पे ऐसे एक्सपेरिमेंटल बनाने शुरू किए, तो अच्छा वो 10%, 12%, 18% रिटर्न दे रहे। अच्छा मैंने कहा रमन कुमार ये तो बहुत बढ़िया है। हाँ इवेंट का चूंकि मैं वो पिछले कोर्स से सीखा हुआ था कि इवेंट में ये होता है, हाँ तो भाई इवेंट में मत करना, इवेंट चार में महीने मत करना, साल के हाँ 4 क्वार्टर होते हैं तो 4 महीनों में रिजल्ट आते हैं ना, 4 महीने ना करना, फूक फूक के कदम रखना। तो फिर मैंने अब ये स्ट्रेटेजी के जो बढ़िया आईवी है, बिल्कुल टॉप का ना लो, उसमें कोई लोचा निकलेगा उससे कम ले, बहुत बढ़िया 60 वाला है हाँ वो मत लो, 30-35 वाला ले लो, 28 वाला ले लो, 35 वाला ले लो, 36 वाला ले लो, अच्छा उसको बने। अच्छा मतलब फिर आईवी उसको धीरे धीरे हाँ पकाते गए पकाते गए, 3-4 महीने, 5 महीने से। और हर बार मैं ऐसे करता था, भाई मुझे कम से कम 1 लाख रुपए का फायदा दे, कोई भी स्टॉक बनाऊं कम से कम 1 लाख का फायदा दे। अच्छा और ओके फिर मैं क्या करता था, जिसको बना लिया उसकी जो ऊपर नीचे की आती थी उसको मैं ट्रेडिंग व्यू पे बना के महीने का चार्ट लगा के पिछली 10-12 कैंडल देखता था कि भाई ये विद इन मेरे जो लिमिट्स हैं उनमें है कि नहीं है। फिर मैं मंथली एटीआर लगाता था, एटीआर लगानी भी मैं जो किसी मेंटर ने बताई थी, सिखाई थी, तो भाई एटीआर लगा के उसकी वैल्यू निकाल के देख, अगर ये ऊपर नीचे एटीआर के विद इन है तो तेरे को ये ठीक ठाक लगता है, चल तू कूद जा। अच्छा इसको थोड़ा सर, इसको थोड़ा ज्यादा और क्लियर करेंगे। एटीआर सपोज करो मंथली में, अभी एग्जांपल लेते हैं इंफोसिस का। इंफोसिस का जी मंथली एटीआर सपोज करो कि अभी 120 है। हाँ इसका ठीक इसका है, मतलब ये हुआ कि मंथ में 120 रुपये ऊपर 120 रुपये नीचे हो जा सकता है, बिल्कुल ठीक, करेक्ट ना?
और जो आपने स्ट्रेंगल बनाई है हाँ उसकी जो ऊपर और नीचे की लिमिट है लिमिट है वो 120 से ज्यादा होनी चाहिए। 120 के ऊपर का स्ट्राइक हो और 120 के नीचे का स्ट्राइक हो। हाँ, ओके करेक्ट करेक्ट। उसके बाद मैं एक दूसरी चीज और करता हूं कि हाँ ट्रेडिंग व्यू में वो जो लिमिट्स हैं हाँ उनसे 100 100 50 50 पॉइंट डिपेंडिंग अपॉन के शेयर प्राइस क्या है, हाँ कितना चौड़ा लंबा चौड़ा मेरा कॉल और पुट में, मान लो कई बार हजार हजार रुपए का डिफरेंस होता है। हाँ जैसे बजाज में बनाई मैंने हाँ 5200 6200 पे बनाई तो 1000 रुपए का डिफरेंस आ गया, हाँ बराबर 6600 8000 पे बनाई तो 1400 का डिफरेंस आ गया। तो हाँ उस 1400 में फिर मैं 150 150 200 200 पॉइंट अंदर, यानी कि कॉल की भी पुट की भी अंदर एक एक और लाइन खींच देता हूँ बारीक सी डिफरेंट कलर की, हाँ कि जैसे ही शेयर प्राइस इसके नीचे आए अलार्म खड़ा हो जाना चाहिए, हाँ बराबर। तो फिर उसको रिपेयर करने का सोचो या देखो। अच्छा सर, ये रिपेयर में, जब रिपेयर मतलब एडजस्टमेंट करेक्ट, हाँ जी हाँ जी तो एडजस्टमेंट में सपोज करिए सर आपने स्ट्रेंगल बना दिया, अभी एग्जांपल लेता हूँ इन्फोसिस का। इन्फोसिस चल जी रहा है अभी 1540 के आसपास आई थिंक। ओके हाँ जी 1540 है, एक मिनट एक मिनट मैं ले आऊँ चार्ट, चार्ट ओपन करूँ सर। आपको एक यहाँ पे बना के भी दिखा दूं ताकि जितने बच्चे देखेंगे वो भी समझ जाएंगे। हाँ बढ़िया रहेगा। चलिए बनाइए सर, कुछ ही ले लीजिए। ओके अब आप सेंसिबल पे जाइए पहले। हाँ हाँ सेंसिबल में जाऊँ, जी चलिए मैं सेंसिबल ओपन मैं करता हूँ। आपको स्टॉक सिलेक्शन भी समझा देता हूँ जी। ओके सर हाँ बताइए तो जरा। सेंसिबल में ऊपर एनालाइज पे आ जाइए, यस सर इसमें आ जाइए स्क्रीनर पे यस सेंट्रल कॉलम में, हाँ इसका जो दूसरा कॉलम है तीसरा एटीएम आईवी लिखा हुआ है, हाँ इसको क्लिक कीजिए। हाँ हाँ रुक जाइए, हाँ अब देखिए आइडिया का एटीएम आईवी 78.1 है, ओके हाँ तो जो बहुत ज्यादा वाले होते हैं उनमें कोई ना कोई लोचा होता है, लोचा है जी। तो जो नए हैं मैं उनको सलाह दूंगा कि सीधा सेकंड पेज पे चले जाओ, ये सारे ही छोड़ दो, नहीं तो अच्छा पीएफसी पे आ जाओ। मैंने पीएफसी बना रखी है, हाँ जीएमआर इंफ्रा बना रखा है, आप पीएफसी पे आ जाओ, ठीक पीएफसी है कि की नहीं। हाँ 46 अब जाने से पहले इसका लास्ट कॉलम जो मैक्स पेन है वो नोट करते जाओ, जो कि 400 है, लास्ट हाँ कॉलम अच्छा चार राइट मोस्ट सौ कॉलम मैक्स पेन नोट कर लो, एक मिनट और ये भी नोट कर लो कि फ्यूचर प्राइस क्या है। हाँ 408 फ्यूचर प्राइस है, मैक्स पेन है इसका 400, इसका मतलब मोटा मोटी बराबर है। हाँ और उसके बाद देख लो आईवीआर में कोई बहुत ज्यादा चेंज तो नहीं हुआ, ओआई में कोई बहुत ज्यादा चेंज तो नहीं हुआ, और हाँ उसकी पीसीआर कितनी है, आप अच्छा उसकी पीसीआर भी देख लो। पीसीआर 70 है, इसका मतलब कि अभी थोड़ा सा नीचे की तरफ है, ये इसमें बियरिश है, माइल्ड बियरिश है, माइल्ड बेरिस है। बस एक दिमाग में रखेंगे कि 0.7 है, अच्छा ओके ठीक और है 400 इसका मैक्स पेन है। मैक्स पेन है। अब ओके हम जाते हैं सेंसिबल की ट्रेड में, आ जाओ अच्छा ऊपर ट्रेड बड़ी। हाँ अब आते हैं सेंसिबल की ट्रेड में राइट ट्रेड में स्ट्रेटजी बिल्डर, जी यहां पे निफ्टी की बजाय पीएफसी लिखो, जी कर दो। हाँ अब इसके ऊपर इन्फो पे आ जाओ, वो जो पीएफसी के बाद प्लस 3.2 लिखा है, फिर एक चार्ट का स्टार, हाँ इन्फो पे आ जाओ, जी इससे पता चलता है मैक्स पेन 400 है, बीरिश है, अच्छा हाँ मैक्स पेन 400 है 400 है, हाँ पीसीआर 0.71 है, हाँ इसका लॉट साइज ये है, जी ठीक है ना। यहां हाँ बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन मिलती है, ओके ठीक है सर इसको मैं जरूर देखता हूं, अच्छा अच्छा ठीक हो गया कि नहीं। मेरा हाँ मैक्स पेन कंफर्म हो गया, पीसीआर कंफर्म हो गया, करेक्ट माइल्डली बेरिश हो गया, लॉट साइज मुझे पता चल गया कि 3875 है, हाँ तो इसका मतलब ये है यूजुअली मैं 10 लॉट में काम करता हूं तो ये 38,000 हो जाएंगे, तो ओके हाँ जितने ज्यादा होते हैं वो थोड़ा सा संभल के चलने वाला होता है मुझे। हाँ अब इसको बंद कर दो जी, जी अब आ जाओ बिल्ड स्ट्रेटजी में। हाँ अब देखो इसका एटीएम आ गया 410 पे, जी और इसका पुट का डेल्टा है 0.49, कॉल का डेल्टा है 0.51। जी सर ये जो ग्री गम हाँ लिखा है ना, हाँ
जी, अब इसको ऊपर ले जाओ सर, ऊपर ले जाओ मतलब, अच्छा पुट पुट की तरफ ले जाओ, अच्छा और इसका जो डेल्टा है हाँ इसको 15 पे ले आओ, ये 17 पे आ गया 370, ये वाला, हाँ इसको सिलेक्ट कर लो। जी अब नीचे आओ, अब हमने यहाँ पे 17 लिया ना जी, हाँ तो इसके बराबर 17 ये लेंगे 460 वाली, ओके दिस इसको डन कर दो। ओके अनलिमिटेड अब इधर आके इसको ऊपर करो, अनलिमिटेड से ऊपर जाओ। ऊपर, यस हाँ, 12% आपको हाँ दे रहा है कि अगर ये 4 रुपए 15 पैसे और 4 रुपए 20 पैसे अगर आपको मिले तो ये 12% मिलेगा। जी और ग्रीक में जाओ तो आपका डेल्टा न्यूट्रल रहेगा, ग्रीक में जाओ, वो हमने दोनों 17 17 लिए थे, इसका मतलब है हाँ +16 -16 डेल्टा है तो न्यूट्रल हो गया, जी बराबर मेरा डेल्टा न्यूट्रल है, ठीक हाँ हो गया। जी मेरी रिटर्न 12% पर मंथ है। हाँ और एक एक बारी पूरा नीचे आओ इसके, ये जी देखो सर मुझे 45.3 और 49.2, ये नीचे देखो रीसेट आईवी के नीचे हाँ इतना आईवी मिल रहा है, जी तो इसका मतलब आईवी 45 45 मिल रहा है, ठीक है, हाँ मेरी रिटर्न ठीक है, मेरा डेल्टा ठीक है, ये बहुत बढ़िया है। जी अब इसके देखने के दो तरीके होते हैं, हाँ या तो ये जो 4 रुपए 15 पैसे प्रीमियम है हाँ इसके आगे 3 हॉरिजॉन्टल लाइनें, इस पे क्लिक कर दो पीई ए की, हाँ 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 ओके इसके इसके राइट हैंड साइड पे 3 हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं, हाँ ये ओके 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 हाँ इसको क्लिक करो, ये देखो 4 रुपए 25 पैसे लिख रहा है ऑफर, हाँ ये उसने एक किस्म से आपको मार्केट डेप्थ दिखा दी लेकिन जी एक ही दिखाई, जी 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 बराबर इसका मतलब 4 रुपए 25 पैसे की ऑफर है, हाँ ये कह रहे 4 रुपए 15 पैसे, बराबर तो मैं इसको 4 रुपए 20 पैसे तो कर सकता हूँ, इसको चार हाँ बीस कर देता हूँ, कर करेक्ट करेक्ट दो सर, 1.5 हटा के 2 कर दो, 4.2 कर दो। जी अब नीचे आओ, नीचे भी उसको क्लिक करो जी, हाँ ये 4 रुपए 30 पैसे है, इसको 4 रुपए 25 पैसे कर दो, 5 पैसे छोड़ देंगे, हाँ कई बारी इससे ही 12 का 13% बन जाता है, वो जो हाँ ऊपर ग्रीन में था ना 12 हाँ का 13% यह बदल जाता है, बदल जाता है जी लेकिन 12% भी रहे महीने का 12%, 144% साल का हो गया, कंपाउंडेड 160 हो गया, बहुत है। जी दूसरा तरीका इन हॉरिजॉन्टल लाइनों को क्लिक करने की बजाय ट्रेड ऑल पे क्लिक कर दो, हाँ करेक्ट ये आपको वो दिखा देगा पूरी डेप्थ, जी यहां भी वही दिखा देगा कि 4.25 चल रहा है, हाँ और पूरी पांचों की डेप्थ दिखा देगा, कॉल में भी पुट में भी, यहां से भी आइडिया लग जाता है कि मार्केट क्या है जी और बायर सेलर कितने बैठे हैं, मार्केट का आइडिया लग गया, पैसे का आइडिया लग गया, ठीक हाँ हो गया सर। क्वांटिटीज जी भी देख ली कि जो लेने वाला है, जो मेरी मेरी ऑफर लेगा वो कितने पे बैठा है, हाँ कितने शेयरों पे बैठा है, जो जी दूसरा बैठा है वो कितने शेयरों पे बैठा, आइडिया लग जाता है मार्केट जी का, करेक्ट ठीक है कि नहीं। जी अब इसको कुछ नहीं कर रहा, इसको बंद करके वापस आ गए। ओके हाँ अब दोबारा अब सब ठीक हो गया, अब मल्टीप्लायर में जाके आपने 5 लॉट 6 लॉट, फिर यहां पे राइट हैंड साइड पे मार्जिन नीडेड, वो जो ट्रेड ऑल था उसके नीचे भी मार्जिन ट्रेडेड मिल जाता है और यहां भी मिलता है, ये मार्जिन ट्रेडेड मांग रहा है 8,05,000 जी 3 लॉट में, हाँ आपने 3 करने हैं, 5 करने हैं, 10 करने हैं, अपनी ट्रेडिंग कैपेसिटी अपने रिस्क के हिसाब से कर लो। जी अब मैं यहां क्या करता हूं, अब यह आपकी फिगर आ रही है 98,231 रुपए 3 लॉट हाँ पे, जी मैं वो चूज करता हूं, मुझे कम से कम 1 लाख रुपया एक ट्रेड में मिलना चाहिए, ओके हाँ तो मैं या तो इसको 5 कर देता हूं, 12% बहुत है, 5 कर हाँ दो, अब मुझे 1,64 मिल गया, हाँ जिसमें मुझे कुछ छोड़ना भी पड़ेगा, फिर हाँ बराबर कुछ छोड़ना पड़ेगा भी मैं 1,10 1,20 लेके तो गिरूंगा ही, बहुत बढ़िया हो गया। और 12% की बजाय, मुझे पता है जब लास्ट वीक आता है तो गामा बहुत तंग करता है, थर्ड वीक में ही निकलना पड़ता है, और हाँ अगर ऑपरेटर के हाथ में फंसा हुआ हो
तो वो प्राइस देता ही नहीं, वो हाँ आगे झगड़े आएंगे, मैं समझाऊंगा आपको, जी तो छोड़ना भी पड़ता है। तो हाँ ये 12 है तो जरूरी नहीं कि 12 का 12 मिले आपको, आप इसका 75% भी लेके चलो तो 8% मिल गया, 8% पर मंथ बहुत ज्यादा बल्ले बल्ले वाला काम है। जी तो आप अच्छा, उसके बाद अब आप इसके ट्रेडिंग व्यू पे आओ। ओके पीएफसी लगाओ सर, हाँ डेली चार्ट पे लगा दो। हाँ डेली चार्ट पे नीचे आपको दिख जाएगा कि इसका रिजल्ट कब आना है। ये जो ई है ना, ई, हाँ ये बताता है कि रिजल्ट कब है। काफी बराबर इसको अब थोड़ा सा, हाँ, अब इसका ई जो है फरवरी में है, हाँ तो इसका मतलब जनवरी महीने की मैं ट्रेड बना सकता हूं। जी बढ़िया हो गया। हाँ अब वापस सेंसिबल में जाके वो लिमिट्स देखो क्या बनी थी आपकी। ये ऊपर देखो सर, ब्रेक इवन 361.5 और हाँ 468.4, हाँ ये दो फिगरों की लाइनें खींच दो वहां पे। अच्छा 361.6 ट्रेडिंग व्यू में जाओ, हाँ लाइन खींच दो, उसके बाद इसको ऊपर नीचे कर लेंगे। दो लाइनें खींच दो जी, थ्री हाँ सिक्सटी वन पॉइंट सिक्स तो जब हम कोऑर्डिनेशन में जाएंगे, हाँ अब एक को सिलेक्ट करो ना। ये वाली हाँ, ये इसको किसका के नीचे ले आओ, ट्रेडिंग हाँ पैनल के पास रख दो तो आपको पता चल जाएगा। और जी नीचे ले आओ, और थोड़ा सा नीचे और लेफ्ट ले जाओ, ये हाँ ट्रेडिंग पैनल के बराबर बाजू में रख दो। हाँ, ले जाओ लेफ्ट, ले जाओ किसका दो, हाँ बस यहाँ रख दो। हाँ अब ये उम्र ओके भर यहाँ पड़ी रहेगी। और हाँ इसमें ऐड करने के लिए आपको एक तरीका बताऊं, आप दोबारा ट्रेंड लाइन पे जाओ। हाँ, ये इसको क्लिक करो। अब ये जो ट्रेंड लाइन है ना, अब हाँ इसके नीचे आ जाओ हॉरिजॉन्टल लाइन पे, ये और आल्ट एन के आगे ये स्टार है, स्टार दबा दो, अच्छा येलो हो जाएगा। और ये जो है ये इसके अंदर आ जाएगी। हाँ इसके अंदर ना हाँ, ठीक है ना 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 ना, वो जो आपने बनाया था ना उसके अंदर आ जाएगी। इसके उसको अंदर आपने, जब आपने उसको सिलेक्ट कर लिया ना, हाँ येलो कर लिया, तो वो इसके अंदर आ जाती है। तो यहां से उठा के हम बनाना, जो मेरे तीन चार जो मैं बनाता हूं ना, हाँ रेक्टेंगल बनानी है, लाइन बनानी है, कुछ बनाना है, मैंने इसमें रखे हुए हैं। ठीक है ओके चलिए, आप अपने हिसाब से ऑपरेट कर लीजिएगा। इस हाँ पे जाइए और इस एक तो लॉक कर दीजिए, लॉक करते हैं इसको हाँ, और ओके दूसरा ये सेटिंग में आइए, ओके हाँ अलग, हाँ, इसको क्लिक कर दीजिए। कोऑर्डिनेट्स में जाके इसको 361.6 की फिगर दे दो। 361.6 ओके हाँ उसके बाद टेक्स्ट पे आ जाओ, इसी नहीं, ओके नहीं करना, अभी टेक्स्ट पे आ जाओ, इसमें 361.6 लिख दो। ओके और नीचे सेंटर की बजाय राइट कर दो, ओके ओके कर दो। ठीक है ये लिखा गया हाँ करेक्ट ऐसे इसमें भी लिख देते हैं उसी तरह इसको 400 कितना था, दोबारा देख हाँ लो सेंसिबल में, चार ये चार सौ सौ अठासठ पॉइंट चार 468.4 हाँ हाँ, इसको लगा दो जी, लॉक भी कर दो। हाँ टेक्स्ट में भी चले जाओ, हाँ लिख दो, बिना इसके लिख दो जी, ओके कर दो। लेफ्ट बोले थे ना ना राइट, अच्छा ओ राइट सॉरी ठीक हो गया सर? इसको ठीक कर लेता हूँ 1 मिनट राइट यस सर ठीक हो गया? हाँ अब ये आपको विजुअली बता रही है कि आपकी करंट कैंडल कहाँ है और आपकी लिमिट्स कहाँ है। जी और ये डेली चार्ट में डे हमने इसलिए लगाया कि हमें पता चले कि इसका नेक्स्ट वो जो रिजल्ट है वो कब है। जी अब आप इसको मंथली चार्ट में ले जाओ, बना लो, एम दबा दो। जी
अब ये देखो, ये खूब भाग के आया हुआ शेयर है, यूजुअली ऐसे नहीं मिलते हाँ ये IEX, MCX, PFC, ये जो बहुत भाग के चले ना वो चले, नहीं तो क्या होता है कि ये जो मंथली कैंडल है, अगर आपके रेंज में पिछली 5-7 मंथली कैंडल मिल जाती है आपको, तो आपका सेफ हो गया। जी दूसरा, सेंसिबल में जाओ दोबारा सर, हाँ यहां ब्रेक इवन के आगे ब्रैकेट में लिखा रहता है कि लोअर साइड 10.9% सेफ है, अपर साइड 15.4% सेफ है, ये परसेंटेज लिखा हुआ है ना सर, जी थ्री जी सिक्सटी वन पॉइंट सिक्स के आगे। हाँ इसका मतलब है आपको आइडिया लग जाता है कि मैं कितने परसेंट सेफ हूं। एक तो आपको लाइनों की पता लग गया कि कहां कहां तक सेफ है, दूसरा कितने परसेंट नीचे मूवमेंट करे या कितने परसेंट ऊपर मूवमेंट करे तो मैं सेफ हूं। फिर जी मैं वापिस यहां पीएफसी पे जाता हूं, ये जो पहले पीएफसी आ गया, इधर आ जाओ जी, इन्फो के साथ वाला पीएफसी, हाँ इसके आगे लिखा हुआ कि ये आज कितना भागा। अरे हाँ भाई, एक दिन में 3.2% भाग गया, तो ये जो मैं 10-15 लेके घूम रहा हूं, ये तो 5 दिन में 7 दिन में निबेड़ेगा। हाँ इससे डर भी लगता है, जी इससे पता चल गया ना कि ये कितना घूम रहा है शेयर, जी और 10% और 15% में मुझे कितना मार्जिन मिल रहा है। तो ये सारी चीजें सोच समझ के फिर हम ट्रेड बनाते हैं। करेक्ट यहां से इमीडिएटली पता चल गया कि उस दिन का इसका लेखा जोखा क्या है, +3% है, +2% है, -4% है, 6% है, सात जो 5-6% है, 7% है, उससे डर लगता है, उसको बनाता ही नहीं। 20 तारीख से देखना शुरू कर देता हूं कि 28 तक जब सेटलमेंट होगी उसके बाद बनानी शुरू करूंगा, ये कैसे बिहेव कर रहा है। ओके एक्सरसाइज जो होती है एक हफ्ता पहले शुरू हो जाती है मेंटल, अच्छा कि मैं किसको बनाऊंगा, किसको नहीं बनाऊंगा, कौन बनेगा कौन नहीं, टेम्पररी बना के इसमें ही, ये जो ट्रेड ऑल के सामने 3 डॉट है ना जी, हाँ इस ना ट्रेड ऑल नीचे, हाँ इसको क्लिक कर दो और सेव कर दो। हाँ हाँ, सेव कर दो, न्यू स्ट्रेटजी की बजाय इसको कर दो पीएफसी जनवरी, सेव कर दो पीएफसी जनवरी 2024। यस ये उसमें आ जाएगा ना। ओके इसमें आ आप जाएगा। वापिस सेव्ड में जाओगे तो ये पड़ा होगा, ये देखो ऊपर पड़ा है ना जी, जी आप चाहो तो इसको डिलीट कर दो, एडिट कर लो, जो मर्जी कर लो। हाँ मैं वर्चुअल करता इस हूँ तरह सही 20 इसको। तारीख को, हाँ 20 से लेकर 27 तक पूरा हफ्ता रात को जब होम एक्सरसाइज करते हैं, होमवर्क करते हैं, तो ऐसे 7-8-10 बना लेते हैं। अच्छा मेरा ये रहता है कि मुझे कम से कम महीने का 7-8-10 लाख रुपया स्टॉक से मिल जाए, तो मैं अच्छा 10-12 स्टॉक की ऐसे बना के रख लेता हूं ओके और उनको ऑब्जर्व करता रहता हूं, बनाने से पहले हफ्ता भर ऑब्जर्व करता हूं कि ओके ये कैसे जा रहा है कैसे नहीं जा रहा, ये कोई खबर आ रही है कि नहीं खबर आ रही, इसकी पास्ट हिस्ट्री क्या है, हाँ क्या मैंने पिछले महीने भी इसकी बनाई थी उसमें मुझे प्रॉफिट मिला कि नहीं मिला, क्या हाँ इसने पिछले मुझे तंग किया कि नहीं किया, कई सवाल आते हैं, और वो धीरे धीरे जैसे जैसे आप करते जाओगे और पक्का होता जाएगा। जी इस तरह करके फिर ट्रेड बना लेते हैं। ओके तो बस मेहनत मेहनत करो करो, फल फल बहुत बहुत बढ़िया। बढ़िया। यस सर आशीर्वाद बनाए रखिए सर।